तो होंडा ट्विस्टर बाइक है, हम इसको चला के आपको दिखाएंगे इसकी प्रॉब्लम। ये 40 ऊपर नहीं जाती है और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप वर्कशॉप पे ले जा करके सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं चला के दिखाता हूँ इसकी प्रॉब्लम। चलाते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये 20 आके नहीं जा रही बिल्कुल भी। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया है, ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं 40 ऊपर जा ही नहीं रही, यानी सिर्फ 20-30 की स्पीड पे ही है लगभग, और पूरी एक्सीलेटर दे रखी मैंने, ये देखो। यानी दोस्तों पूरी एक्सीलेटर देने पर गाड़ी बहुत ज़्यादा दबने लग जाती है। अब इसको फटाफट से अपने वर्कशॉप पे ले चलते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको एक बार और चला के दिखाते हैं, अपने वर्कशॉप पे जा रहे हैं अब इसको। ये देखिए दोस्तों, यानी दोस्तों जितनी इसको भगाने की करते हैं ये गाड़ी उतनी ही कम स्पीड हो जाती है, यानी जैसे पूरे एक्सीलेटर देते हैं और एक गाड़ी दब जाती है पूरी। ये देखो, इसको ऐसा लगता है बाइक को हम अपने वर्कशॉप में लिया है और अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो इसकी दोस्तों करंट चेक करेंगे, करंट से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसे प्लग कैप हटाएंगे और इसका करंट चेक करेंगे। और दोस्तों आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जो आप देख सकते हैं इसमें आपको सिलेंडर ब्लॉकेट आपको नहीं दिख रही है, ये लगभग एक महीने पहले ही यहाँ पर सर्विस होकर गई थी, सॉरी इंजन होकर के गई थी, कंप्लीट इसका इंजन किया था और एक महीने बाद ही इसके अंदर ये दिक्कत आने लग गई है। तो इसका आप देखते हैं, लो स्टार्ट करो, दोस्तों आपने देख पा रहे होंगे करंट तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है, यानी गाड़ी करंट की दिक्कत नहीं लग रही, पर फिर भी ये पूरी एक्सीलेटर नहीं ले पा रही। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसके दोस्तों अब इसका कार्बोरेटर और चेक करेंगे, कार्बोरेटर कहीं पानी तो नहीं आ गया है। कैबरे क्या होता है कि जब गाड़ी वॉशिंग होती है जब टंकी में पानी चला जाता है, तो एक बार इसका जो आप साउंड देख पेज दिख रहे हैं ये वाला खोल करके एक बार ये पावरफुल वाली पाइप बाहर निकालेंगे इसकी, ये पाइप थोड़ी अटकी हुई है इसको बाहर निकाल के एक बार इसका ओवरफ्लो वाला पेज खोल के पेट्रोल चेक करेंगे, इसमें पानी तो नहीं है। पेट्रोल पाइप बाहर निकालने के बाद इसके दोस्तों पेट्रोल बंद कर लेना है, पेट्रोल ऑफ कर लेना है, उसके बाद ही पेट्रोल निकालें, यानी यहाँ से ऑफ कर लेना है दोस्तों। इसकी ये ऑन ऑफ वाली टूटी हुई है, यहाँ पर है नहीं, शायद गिर गया रस्ते में वहीं पर पेज खोल के, तो इसको मैं एक बार प्लास की मदद से इसको घुमा के ऑफ करता हूँ पेट्रोल को। पेट्रोल ऑफ कर दिया है, पेट्रोल बंद करने के बाद अब इसको अब निकालेंगे पेट्रोल इसका, देखो निकाल पेच कस के, एक पेच कस जरूरत पड़ेगी दोस्तों पेच कस से, इसको और फ्लोल नट खोल लेना है और पाइप को दोस्तों नीचे एक ट्रे लगा लेनी है। ये देखो नीचे ट्रे लगा रखी है, तो इस पाइप में जो भी निकलेगा तो सीधा इसमें जाके गिरेगा। तो दोस्तों अब बोल्ट खोल दिया है, ट्रे नीचे लगा कर रखें और दोस्तों पेट्रोल को बंद कर लें। ये देखो निकल रहा है, अभी निकल देते हैं, अभी देखते हैं इसमें कुछ पानी वगैरह मिक्स निकलता है या कुछ और दिक्कत है गाड़ी में। दोस्तों वो एक महीना भी नहीं हुआ था गाड़ी को इंजन का काम करने के बाद, ये सही चल रही, जब भी सही थी दोस्तों, पता नहीं अभी अचानक से क्या हो गया गाड़ी में। देखो देखते हैं पेट्रोल निकाल लिया है दोस्तों, पानी की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, यानी सारा ये पेट्रोल ही है दोस्तों। पेट्रोल तो बिल्कुल सही है, यानी कार्बोरेटर में तो कोई कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको वापस टाइट कर देंगे और एक बार इसकी एयर फिल्टर खोल देखेंगे इसका। यहाँ से एयर फिल्टर खोलने के लिए दोस्तों ये बोर्ड खोलने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये, एक बार इसको एयर फिल्टर खोलने के बाद स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को। तो फटाफट से दो बोल्ट खोल लेते हैं, एक ये और एक प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, एयर फिल्टर कहीं ब्लॉक हो रहा हो, क्योंकि गाड़ी जब इंजन ऑफ करके थी इसके सबको सफाई तो की थी, कार्बोरेटर बिल्कुल साफ था, एयर फिल्टर भी शायद नया डाला था। खोल के देख लेते हैं क्या कंडीशन निकलती है एयर फिल्टर की। बोल्ट खोलने के बाद इस कवर को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे दोस्तों पीछे से बाहर खींचना है यहाँ से पीछे की साइड से। ये देखो बाहर निकालने के बाद एक बार यहाँ से भी आराम से बाहर निकालें, निकल गया है। इसके बाद एयर फिल्टर बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे, इसमें चार पेच होते हैं दोस्तों, चार पेच खोलने के बाद एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा, इसे फटाफट से खोल लेते हैं। दोस्तों तीन पेच खोल दिए हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या निकलती है इसके अंदर।
आराम से निकलते हैं। दोस्तों ये फिल्टर तो लोकल डला हुआ है इसके अंदर। दोस्तों ये स्टील बर्ड कंपनी का है, वैसे तो ये कंपनी लोकल है, और ये हो सकता है जब इसका इंजन काम किए थे हम तो लड़के ने ऐसे लगा दिया हो, ध्यान ना दिया हो कि एयर फिल्टर लोकल है, ऐसे ही साफ करके लगा दिया हो, क्योंकि कंडीशन से बिल्कुल सही लग रहा है, इसी वजह से उस लड़के ने साफ करके लगा दिया होगा। तो हम इसको ओरिजिनल लगाएंगे, इसको चेंज कर देंगे, और इससे पहले हमने एयर फिल्टर तो इसका हटा दिया है, एक बार स्टार्ट करके और देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है बिना एयर फिल्टर के। तो इसका पेट्रोल तो हमने चालू कर लिया है, स्टार्ट करके देखेंगे। स्टार्ट करो, दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी अब गाड़ी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है, पूरी रेस ले रही है गाड़ी, दब नहीं रही बिल्कुल भी। इसको एक बार चला कर देखेंगे, वैसे मुझे तो लग रहा है गाड़ी एकदम ओके हो गई है, ये एयर फिल्टर के कारण ही था। यानी दोस्तों ये देखा जाए तो ये गलती हमारी ही थी, हमने चेक नहीं किया, और इस वजह से कस्टमर को ये दिक्कत आई। तो फटाफट दोस्तों इसको एयर फिल्टर नया डाल करके पैक कर देंगे, फिर इसको स्टार्ट करके चला करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपको फाइनली गाड़ी में एयर फिल्टर नया डालने के बाद, ओरिजिनल एयर फिल्टर लगाने के बाद, अब इसको स्टार्ट करके और चला करके दिखा देते हैं आपको। तो वापस से फिर से हम रोड पर आ गए हैं, लो पकड़ो, अब आराम से चला के दिखाते हैं। अब बाइक स्टार्ट कर लिया, तो अभी हाईवे पर नहीं है इसलिए ज़्यादा स्पीड पर नहीं भाग सकते अभी, फिर भी आपको थोड़ा से और चला के दिखाते हैं अभी। देख सकते हैं गाड़ी अब भागने लग गई है, यानी अभी और आगे नहीं भाग सकते, आगे अब रोड बंद हो गया है, ये गली है हाईवे पर दोस्तों, और स्पीड पे चढ़ जाएगी है, तो यानी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, बिल्कुल ओके हो गई गाड़ी। तो फटाफट से इसको गैराज पे ले जाते हैं, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।